वहीं त्योहार का समय है और त्योहार आते ही मिलावट खोरों की चांदी हो जाती है और इसी कड़ी में गाजियाबाद में भारी मात्रा में मिलावटी पनीर और घी पकड़ा गया है। गाजियाबाद के फूड एंड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मिलावटखोरी का भंडाफोड़ किया। नकली खोए और घी से भरे एक ट्रक को पकड़ लिया गया है। ज्यादा डिटेल्स हमारे सहयोगी दिल्ली से राजू राज की देखिए। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है वैसे वैसे बाजारों में मिलावटी सामान पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने गाजियाबाद के अंदर एक ऐसे ट्रक को पकड़ा है जिसमें भारी मात्रा में पनीर और घी बरामद किया गया है। दरअसल ये जो पैकेट आप देख रहे हैं, इस पैकेट में पनीर है और ये पनीर में क्या कंटेंट है, क्या मिलावटी चीज़ है, इसका जिक्र नहीं किया है। सफ़ेद रंग के इस पैकेट में पनीर है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहूँगा ये ब्लू कलर का ये जो पैकेट है इसमें भी पनीर है। बताया जा रहा है कि इस ये जिस पनीर का जो प्रोडक्शन हो रहा था बुलंदशहर के अनूप शहर में हो रहा था और उसके बाद इस पनीर को दिल्ली और NCR के बाज़ारों में खपाया जा रहा था। इसके अलावा ये जो आप घी देख रहे हैं, भारी संख्या में घी भी बरामद किया गया है। वाइट कलर के पैकेट में ये घी बरामद हुआ है। हालांकि इस घी के अंदर क्या क्या कंटेंट है इसका जिक्र इस पैकेट में नहीं किया जाता है। अलग अगर आप FSSAI का रूल की तुलना करें तो इस कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें तमाम कंटेंट को लिखना पड़ता है, लेकिन ऐसे के पॉलिथीन में घी और पनीर की सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने इस ट्रक को जब्त कर और जो सैंपल लिया है इस सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद।